पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण शर्मा। आज वुमेन डे है और उसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर पारुल जी हैं, अब उनसे ही जानेंगे। मैम, पहले तो आप थैंक यू सो मच। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवर्ष में कि आज वुमेन डे? वुमेन्स डे पे देखिए, ये एक जो पर्टिकुलर डे है ये तो सिर्फ आज के दिन हम मना रहे हैं और इसे इसलिए मनाया जा रहा है कि ठीक है, जो वुमेन कुछ अच्छा कर रही हैं उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमें वो ओवरऑल एम्पावर होने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है, उसको सिर्फ एक दिन पर लिमिट नहीं रखना है। तो ये एक डे है जिसे हम सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं वुमेन को, लेकिन हमें सिर्फ आज के दिन में नहीं रहना है, वो हमें 364 जो बाकी के दिन है उस पर भी सशक्त रहना है, उस पर भी एम्पावर्ड रहना है। क्या लगता है, महिलाओं को पूरा हक मिल रहा है जो मिलना चाहिए था? हक तो नहीं मिल रहा है अभी भी पूरा, और क्या महिलाओं को, और क्या मैं कहती हूँ सबको, हमारे देश में अभी भी बड़ी सारी चीज़ों की परेशानियाँ हैं, बड़ी सारी जगह हम लोग लैग कर रहे हैं। पर फिर भी ठीक है, चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं, लोग थोड़े अवेयर हुए हैं अपने राइट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी मिलना शुरू हुई हैं, तो उस तरह से हम लोग धीरे धीरे मतलब जो इम्प्रूवमेंट की तरफ है, वो ग्रोथ है, वो थोड़ा अच्छी तरफ पॉजिटिविटी में आ रही है। मतलब कि भारत परिवर्तन कर रहा है अब, मतलब कि इसी चीज़? हाँ, परिवर्तन तो है। देखिए, परिवर्तन तो वो डे बाय डे जो है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ ही रहे हैं ना, चीज़ें तो बदल रही हैं, पर फिर भी कई जगह पे है। अगर हम उसकी जब ओवरऑल बात करते हैं, हम अगर वुमेन की आज बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँ कि अगर मैं सशक्त हूँ, मैं किसी आज एक चीज़ को अचीव कर चुकी हूँ, तो वो सारी वुमेन वैसा मतलब पहुँच चुकी हैं, सब अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं है। वो अभी भी बड़ा ऐसा है हमारे रूरल एरियाज़ में, एजुकेशन की वजह से थोड़ा ब्लैक कर रही हैं, कई जगह पे घर से ही इतना स्ट्रिक्टनेस है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कई जगह पे उनको वर्क प्लेस पर इक्वालिटी नहीं मिल रही, तो वो चीज़ें अभी भी इम्प्रूवमेंट भी है, बट फिर भी बहुत स्कोप है अभी भी कई जगह। आपने स्ट्रिक्टनेस की बात करी, आप खुद डॉक्टर हैं, कई बार आप लेट हुई होंगी, मतलब आपको कभी घर से स्ट्रिक्टनेस हुई? देखो, स्ट्रिक्टनेस उस तरह मैं नहीं कहूँगी, एक अपना अपना फैमिली सिस्टम होता है। मेरे पेरेंट्स थोड़े मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लिबरल थे, उन्होंने उन चीज़ों को समझा, एक एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मेरा एक ज़्यादा टाइम जो है वो एजुकेशन में बीता है अपना, मास्टर्स करके देन उसके बाद डॉक्टरेट और ऐसा। बट हाँ, जब बात ट्रैवल की करें तो स्ट्रिक्ट नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप कोई आउटगोइंग फील्ड चूज़ करते हैं, पढ़ाई तो ठीक है कि बच्चा पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी गया, अच्छा कर रही है जी, डॉक्टरेट कर रही है, लेकिन जब घूमने की बात करें, मैं कहूँगी अच्छा मैं जा रही हूँ 10 दिन के लिए कहीं बाहर, मेरा नेटवर्क नहीं आएगा 5-6 दिन, या पूछते होंगे कि किसके साथ, ऑब्वियसली कि किसके साथ जा रहे हो, कौन जा रहा है, कोई और नंबर दे दो। अब ये उनका कंसर्न भी है, ये सेफ्टी इशू भी है, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट ही हैं, क्योंकि वो हमारा माहौल ही ऐसा अलाउ नहीं करता ना, वो चीज़ें इतनी सेफ ही नहीं है कि उनको भी लगता है यार उनकी बेटी है, या उनका इवन बेटी को रह के बच्चा भी बाहर जा रहा है, कोई भी मेल फीमेल दोनों, तो वो उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हम वो माहौल अभी तक प्रोवाइड ही नहीं कर पाए हैं जहाँ पे, ऑब्वियसली। हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पर मतलब कि महिलाओं को उतना हक नहीं मिलता जितना मतलब उनको मिलना चाहिए, मतलब अभी भी बराबर का हक नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? देखिए, इलाकों से तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम अवेयर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन को जो लेके है वो आपको पूरा वो सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो एक लड़के को मिल रहा है, वही लड़की के लिए भी है एजुकेशन, एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन है 10th तक की 12th तक की, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे आप इतना भी नहीं कर सकते। बड़ा भी कोई फार फ्लंग एरिया होगा ना, तो वहाँ पे आपका मिडिल स्कूल 10th तक कुछ भी, हाई स्कूल, मतलब वो कोशिश कुछ पिछड़े इलाके, कुछ लोग तो फिर डिपेंड करता है। क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक मैसेज ही देना चाहूँगी कि हमें माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम उसी पिछड़ेपन के साथ तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते ना, अगर हम उन्हीं चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे कि नहीं लड़के ही ऐसा कर सकते हैं, लड़कियाँ ऐसा नहीं कर सकती हैं। हाँ ठीक है, कोई पर्टिकुलर बड़ा रेयर कोई पर्टिकुलर जॉब्स होंगे जहाँ पे ठीक है कि हाँ लड़कों का उस तरह के जॉब में शायद ज़्यादा कम्फर्ट होगा, लड़की का नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकती है, वो हाँ उसको वैसा दिया जाता है। अगर हम आर्मी की बात करते हैं, कुछ करते हैं वॉर फ्रंट पर, शायद बड़े रेयर केस में वैसा होगा कि वहाँ पर ठीक है हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनका वैसी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पर आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, आज हम कोई टीचिंग या वैसे जो बेसिक हमारे होते थे जॉब्स उन तक तो लिमिटेड नहीं है ना, लड़की एंटरप्रेन्योरशिप में है, लड़की अपने जो बिजनेसेस हैं वो आपका कुछ भी कह लीजिए, वो आपके बेकिंग है, वो कुकिंग स्किल्स हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो मैं ट्रैवल करती हूँ किसी भी फील्ड में, वो सब कर रही हैं, प्लेटफॉर्म है, बट आपको बस उसको पहचानने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना पड़ेगा। सबके सपोर्ट से बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, अच्छे से रहेगा,
अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेटी पर एक सवाल, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये मतलब अभियान सरकार भी चला रही है, कितना मुकम्मल हुआ है ये? देखिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर उन्होंने काफ़ी सारे स्कीम स्कॉलरशिप्स बड़ी सारी ऐसे जो चीज़ें थी वो इंट्रोड्यूस की, लेकिन फिर भी मतलब अगर हम ये जो टैग लाइन ही है ना, अगर हम आज की डेट में भी भारत जैसे देश में जिसमें नारी को सम्मान दिया गया है, अगर हम पुराने उसमें भी देखें अपने पुरानों में मिथोलॉजिकल, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से कभी नहीं हुआ। हमारा एक हम अर्ध नारेश्वर की बात ही करते हैं, अगर हम इतना महान अपने आप को स्पिरिचुअली उस तरह कंट्री से बिलोंग करते हैं भारतवर्ष से, तो वो मेल फीमेल दोनों का, वो शिव शक्ति का मिलन है, वो दोनों मिलके ही सृष्टि चलाते हैं। लेकिन फिर भी एक तरफ हम इतना मानते हैं चीज़ों को, भगवान को फॉलो करते हैं, इतनी मंदिर जाएंगे ये करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हाँ नवरात्रे आते हैं, आप नौ नवरात्रे रख रहे हो, आप बड़े सारे फास्ट रख रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, बातें मैंने यहाँ के चार कर दी पर घर जाके मैं भी शायद अपनी घर की दूसरी जो लेडी है या कुछ ही है मैं उसको जाके सप्रेस कर रही हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। उस दोगलेपन से हमें बाहर निकलना है कि हम बाहर कुछ दिखा रहे हैं, सामने कुछ दिखा रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, वो हमें उस दोगलेपन से बाहर आना है, वो हमें एक्चुअल में चीज़ों को समझना पड़ेगा, लोगों की जितनी सपोर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में कर सकते हैं वो करनी है, अगर कहीं जाके फाइनेंशियली कर सकते हैं, अगर कहीं जाके उनको कुछ मोटिवेट करना है, कुछ समझाना है, कोई लेक्चर देना है, बड़े सारे टॉपिक्स ऐसे, तो वो हम जितना कर सकते हैं हमें सबको साथ लेके चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब कि अभी एक ऑप्शन अगर दिया जाए लोगों को, मतलब कि अगर एक बच्चा पैदा करने की मतलब कि ऑप्शन दी जाए, तो मतलब लोगों का मतलब कि एक ही ऑप्शन होता है कि लड़का हो, लड़की क्यों नहीं? लोगों को टेंशन हो जाएगी, आप कहोगे एक ही मतलब एक बच्चे की कोई पॉलिसी आ गई, वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई और वो लड़की हो गई, तो 99% जनता तो हमारी ऐसी है कि आज के टाइम में भी वो जितना मर्जी अपने आप को दिखा लें कि हाँ बेटी लक्ष्मी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशली अगर वो एक ही बच्चे की बात कर रहे हो और फर्स्ट चाइल्ड होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं होगा कि लड़का हो जाता, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से इतना अंदर घुसी है बातें दिमाग के कि नहीं वो इसकी शादी करनी पड़ेगी। मतलब लड़की को पढ़ाना आपको बर्डन क्यों लगता है कि वही वो दूसरे घर में चली जाएगी? नहीं, डर किस चीज का, वही तो है, वो माहौल कौन ठीक करेगा? आप भी उसी सोसाइटी में है, मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है क्योंकि लड़के 12 बजे तक बाहर घूम सकते हैं, लड़कियों की बात की जाए तो 12 बजे अगर वो बाहर है क्वेश्चन मार्क रहता है, क्यों है, कहाँ है, किसके साथ है, मतलब क्यों, तो वो किसकी गलती है मुझे बताओ ना। यहाँ पे तो लगता नहीं है ना कि मतलब कि ये एक मतलब बराबर का हक मिल रहा है लड़की को, बराबर का हक तो मैं वही कह रही हूँ ना, वो किसकी गलती है? आप भी तो उसी सोसाइटी का हिस्सा हो, मैं भी उस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर बाहर आके मैं इस पार्क में रात को 10 बजे आऊँ तो यहाँ पे सारे वही बैठे होंगे, या तो कुछ पता नहीं अपने ड्रिंक व्रिंक कर रहे होंगे, या चलो नहीं भी कर रहे हैं, अपनी गप्पे मार रहे हैं, बट लड़के ही मिलेंगे, तो वो कैस क्यों हो रहा है वैसा सोसाइटी में? नहीं, सेफ क्या, ठीक है सेफ तो मैं मानती हूँ, लेकिन क्यों हो, सोसाइटी का हिस्सा ही तो हो, तो इम्प्रूव किसको करना है? सिर्फ मेरे को थोड़ी ना करना है एम्पावर होना है, आप भी तो उसका हिस्सा हो, आपको भी तो करना है, आप मीन्स की नॉट यू ओनली, जितने भी हमारे और हम जेंडर की बात कर रहे हैं, जो और मेल हमारे मतलब फ्रेंड्स है हमारा सोसाइटी में है, तो वो पुरुषों को भी तो उस तरह से सोच बदलने की वो घर से शुरुआत होगी। मैं यहाँ पे बातें कर लूँ, मैंने तो एम्पावर कर लिया, मेरी सोच अच्छी हो गई, लेकिन अगर मेरे साथ वाले जो चार लोग बैठे हैं वही उनकी सोच अच्छी नहीं है, तो फिर एक अकेला भी कितना फाइट कर सकता है इंसान? ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना? संदेश यही है, देखिए कि अपने घर से चीज़ें बदलती हैं, अगर आप अगर हम यहाँ पे जेंडर की बात कर रहे हैं और पुरुषों की अपने मेल काउंटर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज यही है कि आपको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सपोर्ट करेंगे अच्छे से चलेगा सिस्टम, अदरवाइज फिर वो बात आ जाती है, अगर मैं यहाँ चार बातें बड़ी बड़ी करके जाऊँगी तो वो फेमिनिज्म टैग दे दिया जाता है, बात फेमिनिज्म की नहीं हो रही है, बात इक्वालिटी की हो रही है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे मैं वुमेन कार्ड या विक्टिम बन के रोना धोना नहीं लगा रहा है, हम सशक्त हैं, हम अपना कर रहे हैं, लेकिन आप भी उतना इम्प्रूव कर लीजिए, आप भी उतने पॉजिटिव और वो माहौल दे दीजिए ना कि सब अच्छे से रहे, बिल्कुल हाँ इक्वल रहे। लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि उनको मतलब आप पार्क का ही हाल देख लो, अभी दोपहर के मतलब 1 बज रहे हैं तो कौन सी लड़की दिख रही है आपको, बट ग्रुप्स में लड़के कितने बैठे हैं, एग्जाम्पल है ना, ये लाइव एग्जाम्पल है, तो ऐसा होता है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने, ये थी डॉक्टर पारुल जी जिन्होंने वुमेन पावर को बताया। हालांकि भारत वर्ष में देखा जाए तो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक आर्मी की बात कर लो, VSF की बात कर लो, हर जगह पे आर्मी में भी लड़कियां देखने को मिलेगी, मगर अभी भी अगर देखा जाए तो बराबर का हक नहीं मिल रहा है लड़कियों को, जिसको लेकर डॉक्टर पारुल जी ने कहा है कि सभी परिवारों को ये सोचना चाहिए और इस पे मतलब अमल लाना चाहिए। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए।